जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है, तो एक चीज हमारे ब्रेन में सबसे पहले आता है वो है इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स यानी इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ इनवॉइस भी कहते हैं लोग उसको। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकोटर्म्स क्या होते हैं और हाउ कैन वी चूज वन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर बिस्वाल और सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और उन सारी चीजों के बारे में जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो ना, तो मेक श्योर यू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन, सो दैट यू नो रिमेन अपडेटेड विद ऑल द एवर चेंजिंग रूल्स इन आवर कंट्री रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं इनकोटर्म्स के बारे में, कि इनकोटर्म्स है क्या और कहाँ से शुरू हुआ था। इनकोटर्म्स यू नो वाज क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड बाय आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन 1936, और उसके बाद कई सारे रिवीजन होते रहे टाइम टू टाइम, और जो लास्ट और सबसे लेटेस्ट रिवीजन है ना वो है आपका 2010 का, जो कि पब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2011 में, और वही जब से चल रहा है, और 2020 2020 में नया इनकोटर्म्स आने वाला है, पढ़ रहा था अभी पीछे। सो इसमें जो मेन जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना, वो होती है एक बायर एक सेलर, और जो इनकोटर्म्स है वो बेसिकली यू नो जो डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है आपका बायर मतलब दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन और ट्रांसफर ऑफ रिस्क, किसका कितना ऑब्लिगेशन है किस इनकोटर्म में और किस इनकोटर्म्स में किस लेवल पे जाके रिस्क विल यू नो ट्रांसफर फ्रॉम बायर टू सप्लायर। सो एक्स इनकोटर्म्स होते कितने हैं, इनकोटर्म्स टोटल यू नो आईसीसी ने जो इंट्रोड्यूस किए थे ना वो है टोटल 11 इनकोटर्म्स, जो कि है आपका एक्स वर्क्स, एफसीए, एफएएस, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, सीपीटी, सीआईपी, डीएटी, डीएपी और डीडीपी। ये टोटल 11 इनकोटर्म्स हैं जो आईसीसी ने आपको इंट्रोड्यूस किए थे 1936 में, और कार्य रिवीजन के बाद जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2010 का है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे कि कौन से इनकोटर्म्स में किसकी ऑब्लिगेशन कितनी होती है, कौन से इनकोटर्म में किसका रिस्क कहाँ कौन से लेवल पे कहाँ तक ट्रांसफर किसके पास ट्रांसफर हो रहा है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा इनकोटर्म चूज करना चाहिए, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने इतने टाइम से देखा है कि मेरे को लगता है कि किस बंदे को किस इंपोर्टर को कौन सा इनकोटर्म चूज करना चाहिए शुरू में, और कौन सा इनकोटर्म जब उसको एक्सपीरियंस हो जाए तो चूज करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं अपना व्यू दूंगा कि आपको अगर आप न्यू इंपोर्टर है तो आपको कौन सा इनकोटर्म चूज करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी इस ट्रेड में है तो आपको कौन सा इनकोटर्म चूज करना चाहिए। सो मैंने आपको बता दिया कि कितने इनकोटर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इनकोटर्म आता है वो आता है आपका एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री, जो मुझे कह लीजिए, इससे आपको देखिए एज द नेम सजेस्ट आपको पता ही लग रहा है कि एक्स वर्क या एक्स फैक्ट्री क्या होता है। एक्स वर्क्स में होता यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन वाइज मैं सबसे पहले बताता हूँ। देखिए सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि वो बस गुड्स को पैक करता है एज पर द रूल ऑफ पैकिंग, जो भी एग्जैक्ट पैकिंग होनी चाहिए फॉर क्लियरेंस एंड एक्सपोर्ट्स के लिए वो पैक करता है, और अपने क्या कहते हैं फैक्ट्री या वेयरहाउस के बाहर छोड़ देता है। और उसके बाद जैसे कि देखिए आपको ये इसमें दिख ही रहा है, क्या कहते हैं इमेज में जैसे दिख रहा है, ये जो गुड्स हैं सिर्फ लोड हो रहे हैं ट्रक में, और ये जो लोडिंग चार्जेस हैं ये भी आपका सप्लायर बेयर नहीं करता, उसका उसका सिर्फ इतना ऑब्लिगेशन होता है कि वो गुड्स को पैक करेगा और अपने फैक्ट्री के या वेयरहाउस के दरवाजे पर छोड़ देगा, फिर आपका जो ओवरसीज का एजेंट है वो सारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करेगा, लेबर ऑर्गेनाइज करेगा, और गुड्स को वहां से उठा के फिर लोड करेगा, पोर्ट पे लेके जाएगा, क्लियरेंस कराएगा, फिर फ्रेट कराएगा, और डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद जो सारे चार्जेस होते हैं, शिपिंग लाइन चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस, ये सारा का सारा बायर बियर करता है। सो बायर की ऑब्लिगेशन इसमें सबसे ज्यादा होती है, और सेलर की ऑब्लिगेशन और रिस्क सबसे कम होता है इसके अंदर। एक्सवर्क्स में सबसे ज्यादा ऑब्लिगेशन और जो रिस्क होता है वो होता है बायर का। जो अगला इनकोटर्म है वो है आपका एफसीए, फ्री कैरियर एक्ट, प्लेस भी हो सकता है सप्लायर की प्रीमिसेस भी हो सकती है, जैसे कि कभी कभी होता है फ्री कैरियर एट सप्लायर प्रीमिसेस। इसमें क्या होता है कि सप्लायर बस एक चीज ज्यादा करता है, वो जो ट्रक आप भेजते हैं वहां पे, आपका जो भी ओवरसीज का एजेंट है वो भेजता है, उसमें वो लोडिंग करा देता है, मतलब लेबर कॉस्ट वो बियर कर लेता है, बाकी सारा का सारा जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, टर्मिनल हैंडलिंग ओरिजिन पे, फिर आपका सी फ्रेट और आपका क्या कहते हैं डेस्टिनेशन के जितने चार्जेस हैं वो सारा का सारा आपको बेयर करना पड़ता है। एफसीए में बस इतना होता है फ्री कैरियर एक्ट, एक्सवर्क्स जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरे को मेरा एजेंट है ओवरसीज में, जैसे एफसीए एट प्लेस को बता दिया आपने, कोई एजेंट का वेयरहाउस हो सकता है, तो एफसीए एट प्लेस में क्या होगा कि आप अपने सप्लायर को बोलेंगे कि मेरे एजेंट है, मेरे एजेंट का जो वेयरहाउस है वहां पे आपको छुड़वाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है
वो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज करता है और आपका जो नॉमिनेटेड एजेंट है या नॉमिनेटेड वेयर हाउस है वहां पे छुड़वा देता है। देखिए जैसे कि आपको इसमें दिख ही रहा है कि ये ट्रक जो है वो चल रहा है, ये ट्रक जाकर रुकेगा आपके नॉमिनेटेड वेयर हाउस पे या नॉमिनेटेड एजेंट के वेयर हाउस पे, वहां पे जाकर रुकेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है FCA में इंक्लूड हो जाता है। आपका अगला जो इनकोटम आता है एफ ग्रुप का, वो है आपका FS यानी फ्री अलोंगसाइड शिप। इसमें क्या होता है कि जो सेलर है ना आपका, जो आपका सप्लायर है, वो इसमें एक चीज और ऐड कर देगा। जैसे कि देखिए XOX में क्या था, XOX में अपने दरवाजे के बाहर छोड़ रहा था। FCA में क्या था, FCA में आपका जो नॉमिनेटेड बंदा था या नॉमिनेटेड वेयर हाउस था वहां तक वो ट्रांसपोर्टेशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा था। FAS में उसका एक ऑब्लिगेशन और बढ़ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, जिसमें कि वो क्या करता है, उसको पैक करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज करता है, पोर्ट पे लेके जाता है, क्लियरेंस भी कराता है। क्लियरेंस वाला जो पार्ट है वो भी सप्लायर ही करता है, या सप्लायर का एजेंट जो भी है वहां पे वो करता है, और जो टर्मिनल हैंडलिंग है ना ओरिजिन के, वो भी वो ही बेयर करता है। जैसे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक होती है जब तक वो कस्टम क्लियरेंस करके आपके शिपिंग लाइन को हैंड ओवर ना कर दे। शिपिंग लाइन को जैसे ही वो हैंड ओवर करता है और आपको BL वो सेंड कर देता है, एज ए BL बुकिंग मिल जाती है उसकी, तो उसकी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। अब इन ट्रांजिट में गुड्स को अगर कुछ भी होता है, या वहां पे लोडिंग करते टाइम शिप में, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर दिया, फिर शिपिंग लाइन से लोडिंग करते टाइम कोई दिक्कत हो जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसकी ऑब्लिगेशन शिपिंग लाइन को हैंड ओवर करने तक की होती है। टर्मिनल चार्जेस वो बेयर करता है ओरिजिन के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कभी कभी टर्मिनल चार्जेस भी नहीं बेयर करता। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो कस्टम क्लियरेंस करा के शिपिंग लाइन को हैंड ओवर करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है, उसके आगे के जितने चार्जेस हैं वो बाय बेयर करता है। सो FAS के बाद जो एफ ग्रुप का लास्ट इनकोटर्म है ना, और जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वर्ल्ड ट्रेड लेवल पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनकोटर्म है, वो है FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा यही यूज होते हुए देखा है। FOB सबसे सेफ और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनकोटर्म है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में देखिए इमेज में आपको दिख ही रहा होगा कि एक शिप भी आ गई है। तो इस केस में क्या होता है कि सप्लायर पैक करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज करता है, पोर्ट पे लेके जाता है, कस्टम क्लियरेंस कराता है, शिपिंग लाइन को हैंड ओवर करता है, शिप पे लोड करा के जो शिप सी फ्रेट है वो बियर नहीं करता, शिप पे लोडिंग तक का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब तक वो जो कंटेनर है आपका शिप पे लोड ना हो जाए, यानी शिपिंग लाइन के ओरिजिन पे कोई भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सारी की सारी ओरिजिन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप टू लोडिंग ऑफ द कंटेनर ऑन टू द शिप, जब तक वो शिप में लोड नहीं हो जाता, सी फ्रेट जो है वो बायर बियर करता है। सी फ्रेट के अलावा जितने ही ओरिजिन के चार्जेस हैं सारे के सारे आपके सप्लायर बियर करता है। आपको देखिए इमेज में देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि इसमें सी शिप भी इंक्लूड हो गया है। देखिए इमेज में आपको दिख ही रहा होगा कि इमेज में ये एक शिप भी इंक्लूड हो गया है, और जो आपका कंटेनर है वो शिप पे लोड भी हो रहा है। सो शिप में लोड होने तक की ऑब्लिगेशन उसकी होती है, जो शिप मूव हो रहा है ना, ये जो ओशन फ्रेट है, मेरिटाइम फ्रेट है, ये बायर ही बियर करता है। इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, देखिए वहां पे नीचे आपको दिखा हुआ, नीचे जो रेड में है ना ऑब्लिगेशन, वो आपको दिख रहा होगा। इंश्योरेंस ऑफ द गुड, जो इंश्योरेंस है गुड्स का, वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इंश्योरेंस भी जो है वो बायर ही बियर करता है। सो ओशन फ्रेट और इंश्योरेंस हटा के उसके पहले के जितने ऑब्लिगेशन है, जितने भी कॉस्टिंग है, वो सारा का सारा आपका सप्लायर बियर करता है। अगला जो इनकोटम है वो है आपका, अगला जो इनकोटम है वो है CFR यानी कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट आप नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि फ्रेट भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। सो जो फ्रेट वाला पार्ट है ना, ओशन फ्रेट वाला पार्ट, वो भी आपका बायर ही बियर करता है। ऑब्लिगेशन की बात करें, ऑब्लिगेशन देखिए इन मतलब CFR से पहले के जितने हैं ना, इन सब में ऑब्लिगेशन, चाहे फ्रेट भी वो क्यों ना बियर कर रहा हो, बट ओशन ओशन इन ट्रांजिट में कोई भी मिसहैपनिंग या कोई भी डैमेज होता है ना गुड्स को, तो वो आपका बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि इंश्योरेंस करवाना होता है ओशन का, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर नहीं लेता है। इंश्योरेंस आपको करवाना होता है, इंश्योरेंस अगर कराएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सारे इनकोटर्म्स में, जब जो जो मैंने भी पीछे डिस्कस करी है, इन सारे इनकोटर्म्स में वहीं पे खत्म हो जाती है जब वो आपके शिपमेंट जो है, आपका जो कंटेनर है वो शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देता है। शिपिंग लाइन को हैंड ओवर करने के बाद, वो लोडिंग करने के बाद अगर इन ट्रांजिट में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना इस इनकोटर्म्स के अंडर, तो भी बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सो इस वाले केस में जो कॉस्ट एंड फ्रेट है CFR में, ये फ्रेट वाला पार्ट भी आपका बायर ही बियर करता है। तो ये जो फ्रेट वाला पार्ट है CFR में, फ्रेट वाला पार्ट भी जुड़ जाता है। सी ग्रुप का जो अगला इनकोटर्म है वो है CIF। CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, नाम से आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें जो है इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो रहा है।
और आप ये गौर करना, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, ई ग्रुप हमने डिस्कस किया, फिर अपने एफ ग्रुप डिस्कस किया, ऑब्लिगेशन देखना सेलर की कैसे कैसे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम सी कवर करेंगे, सी के आगे वाले इनकम टर्म्स कवर करेंगे और डी वाले ग्रुप में पहुंचेंगे, तो देखना कि जो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो कॉस्ट इंश्योरेंस रेट में ये होता है कि भाई पैकेजिंग भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द सप्लायर वेयर हाउस टू क्या कहते हैं, आप इमेज में देखिए, इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो है जो शिप है वो शिप भी जा रहा है और वहां पे एक और क्रेन दिख रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट मतलब आपका जो है सप्लायर गुड्स को पैक करेगा, ट्रांसपोर्टेशन टू द फैक्ट्री, फ्रॉम द फैक्ट्री टू द पोर्ट ऑफ ओरिजिन वो करेगा, वहां पे सारे कस्टम फॉर्मेलिटीज करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, शिपिंग लाइन को हैंडओवर करेगा, कस्टम जो आपका जो सी फ्रेट है वो भी वो बियर करेगा, प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम भी वो ही पे करेगा। और ये सारी की सारी जो कॉस्टिंग होती है ना उसके, जब आप बोलते हैं कि सप्लायर को मेरे को कि सीआईएफ रेट चाहिए, तो सारी की सारी ये कॉस्टिंग वो इंक्लूड करके ही आपको रेट देता है। तो आप ये मत सोचना कि आप सीआईएफ लेंगे तो आपका सारा का सारा जो है ये सारा खर्चा बच रहा है, ये खर्चा कहीं बचता नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंगली ही उन सब यू नो इनवॉइस में कभी वो अलग से भी डालता है, कभी कभी वो गुड्स में ही इंक्लूड कर देता है सारे कॉस्टिंग्स। तो ये सारी चीजें होती है जो इनको टर्म्स है ना, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए और हेड मतलब जो आपका टाइम है ना, टाइम सेव करने के लिए, फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए। अगर आपको ओवरसीज के बारे में उसके कंट्री में कुछ नहीं पता, पता नहीं है कि उस ओवरसीज मतलब आपके सप्लायर की कंट्री में क्या ऑब्लिगेशंस है, कौन से क्या कहते हैं कंप्लाइंसेस चलते हैं, तो बंदा सीआईएफ लेता है, नए नए बंदे सीआईएफ लेते हैं, नए इम्पोर्टर, कि भाई अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो सीआईएफ इसीलिए होता है। कॉस्टिंग कहीं पर नहीं बचती, कॉस्टिंग इवन आपको सीआईएफ में ज्यादा ही बढ़ती है, मैं आगे बताऊंगा वो किस तरीके से होता है। सो कॉस्टिंग आपकी कहीं नहीं बचती, कॉस्टिंग वो सारा का सारा जो ओवरसीज का कॉस्टिंग है वो अपने इनवॉइसिंग में ही इंक्लूड कर देता है वो गुड्स के प्राइस में। तो सी ग्रुप का अगला जो आपका इनकोटम है वो है आपका सीपीटी, कैरेज पेड टू। कैरेज पेड टू यार ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैरेज पेड टू होता है क्या है। ओरिजिन के जितने चार्जेस होते हैं वो आपका सप्लायर बेयर करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। इंश्योरेंस सप्लायर बेयर करता है आपका, और फ्रेट सी फ्रेट सप्लायर बेयर करता है जब आपका शिपमेंट जो है पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जो भी पोर्ट आपने डिसाइड किया है उस पोर्ट तक पहुंच जाता है, वहां तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती है, प्लस जो अनलोडिंग चार्जेस होते हैं सी से लेकर जो अनलोडिंग टर्मिनल चार्जेस वगैरह होते हैं वो यू नो प्रायर डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि वो आपका सप्लायर बियर करेगा कि वो बायर बियर करेगा। और ये होने के बाद कस्टम क्लियरेंस बायर बियर करता है, कस्टम क्लियरेंस एजेंसी इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कुछ बायर देता है। और सीपीटी में होता यह है ट्रेडिशनली जो एज पर रूल ये होना चाहिए कि जो ओरिजिन के जितने चार्जेस है वो प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट विल बी बियर्ड बाय सप्लायर, देन आफ्टर द कंटेनर राइज द डेस्टिनेशन पोर्ट क्या कहते हैं जो टर्मिनल चार्जेस होते हैं डेस्टिनेशन के, टर्मिनल और हैंडलिंग चार्जेस वगैरह वो बायर को बियर करना है, कस्टम क्लियरेंस बायर को बियर करना है, इम्पोर्ट ड्यूटी बायर को देनी है, फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन टू द फाइनल डेस्टिनेशन विल बी बियर बाय सप्लायर, ये ट्रेडिशनली ये रूल डिफाइन करता है। बट ये ऊपर नीचे हो जाता है कई बार कि हैंडलिंग भाई आप बियर कर लो, मैं ट्रांसपोर्टेशन बियर कर लूंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे केसेस में उसको पता नहीं कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस क्या होते हैं। सो थोड़ा बहुत ये चल जाता है, एज पर रूल ये होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। सो सी ग्रुप का जो लास्ट इनकोटम है वो है आपका सीआईपी यानी कैरेज इंश्योरेंस पेड टू। कैरेज इंश्योरेंस पेड टू बिल्कुल सीपीटी की तरह होता है, और सॉरी मैं बता दूं कि सीपीटी में जो इंश्योरेंस है वो भी आपका बायर बेयर करता है, सीआईपी यानी कैरेज इंश्योरेंस पेड टू में ओरिजिन के सारे चार्जेस, इंश्योरेंस, सी फ्रेट और लोकल डेस्टिनेशन की जो लोकल ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन टू द फाइनल डेस्टिनेशन वो सप्लायर बेयर करता है ट्रेडिशनली एज पर द रूल। बट जो क्या होता है ये प्राइवेट डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो ओरिजिन के चार्जेस हैं ये तो फिक्स हैं कि इनमें सीआईपी में और सीपीटी में कि बायर को ही बियर करना है। जब शिपमेंट आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जो अनलोडिंग चार्जेस हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हैं वो कौन बियर करेगा, ये भी कई बार म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए, म्यूचुअली पहले से ही डिसाइडेड होता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है आफ्टर कस्टम क्लियरेंस और इम्पोर्ट ड्यूटी बायर बियर करता है इन सी वाले केसेस में और सारे केसेस में प्रायर। उसके बाद जो लोकल जो डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट है ना फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन टू द फाइनल डेस्टिनेशन वो भी आप प्रायर डिसाइड कर सकते हैं, म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बियर करेगा। सो सीआईपी एज द नेम सजेस्ट कॉस्ट इंश्योरेंस रेट सारा का सारा ही आपका सप्लायर बियर करता है। सो लास्ट वाला इनकोटम, इनकोटम का लास्ट वाला जो ग्रुप है वो है डी ग्रुप। और आप देखना डी ग्रुप में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है।
और जैसे ही डी ग्रुप के लास्ट तक पहुंचूंगा ना तो सारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाई की रह जाएगी। तो डी ग्रुप का पहला वाला है आपका डीएटी यानी डिलीवरी एट टर्मिनल। डिलीवरी एट टर्मिनल आपको पता लग ही रहा है, नेम जैसे बता रहा है आपको कि ओरिजिन के सारे चार्जेस और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की, उस गुड्स को ओरिजिन में लोड कराने की शिपिंग लाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की, सी फ्रेट की सब रिस्पॉन्स, सी फ्रेट इंश्योरेंस, और आपका पोर्ट पे यानी पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुंचाने तक, और उस जो आपका शिपमेंट है वो जब तक अनलोड होके पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन के जो लोकेटेड टर्मिनल, जो भी फाइनल टर्मिनल है जहां से कस्टम क्लियरेंस होता है, गुड्स एग्जामिनेशन होता है, वहां तक नहीं पहुंचाते, वहां तक पहुंचने तक की जिम्मेदारी पूरी की पूरी सप्लायर की होती है। इसमें सप्लायर के ऑब्लिगेशन भी सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है कि अगर इनकेस कभी कभी क्या होता है ना कि आपने बुकिंग कराई, सप्लायर ने बुकिंग वुकिंग कराई, सब कुछ हो गया, वो पहुंच गया यहाँ पे डेस्टिनेशन में पहुंच गया, और डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद ना ड्यू टू कंजेशन, ड्यू टू पेंडेंसी, वो आपके जैसे कि आपने चाइना से निंगबो से टिकट के लिए बुक कराया, तो जो उसका जो उसकी सप्लायर की ऑब्लिगेशन होगी ना, वो बाय रोड आएगा तो भी जो बाय रोड का कॉस्ट होता है वो थोड़ा ट्रेन से ज्यादा होता है, तो उस केस में भी सारा का जो बाय रोड का कॉस्टिंग है वो भी आपका सप्लायर ही बेयर करेगा। सो ये फाइनल टर्मिनल तक का होता है, जब तक वो कंटेनर जो है वो फाइनल टर्मिनल तक नहीं पहुंचा था। फाइनल टर्मिनल का मतलब है जहाँ पे वो चीज कस्टम क्लियरेंस होनी है इस टर्मिनल में। सो उस टर्मिनल तक की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितनी कॉस्टिंग है वो सारा का सारा आपका सप्लायर बेयर करता है डीटी के केस में, डिलीवरी एट टर्मिनल के केस में। आपका जो डी ग्रुप का सेकेंड लास्ट इनपोटम है वो है आपका डीएपी यानी डिलीवरी एट प्लेस, और आपको नाम से पता लग ही रहा होगा कि सेलर की ऑब्लिगेशन वहां तक होती है जहां तक डिलीवरी, जो भी आपका डिलीवरी प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइड हुआ है वहां तक सेलर की ऑब्लिगेशन होती है। अब इसमें होता यह है कि सेलर जो है ओरिजिन के सारे चार्जेस बेयर करता है, ओशन फ्रेट बेयर करता है, इंश्योरेंस बेयर करता है, डिलीवरी डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचने के बाद जो वहां के हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, टर्मिनल चार्जेस होते हैं, वो बेयर करता है, टर्मिनल में शिपमेंट को पहुंचने तक के जितने चार्जेस होते हैं वो बेयर करता है, कस्टम क्लियरेंस उसका एजेंट करता है। सिर्फ इस केस में डीएपी की केस में इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो बायर पे करता है, उसके बाद इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस के बाद जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन से फाइनल डेस्टिनेशन जो कि फैक्ट्री या वेयर हाउस है बायर का, वहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो भी आपका सप्लायर ही बियर करता है। सो इसमें आप देखना कि देख ही रहे कि जैसे कि देख रहे ना, जैसे कि जैसे हम डी की तरफ बढ़ रहे हैं, डी ग्रुप में लास्ट में अगला जो है वो है आपका डीडीपी यानी डिलीवरी ड्यूटी पेड। डिलीवरी ड्यूटी पेड में तो सारा का सारा होगा, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ। सो डीएपी में अभी भी डीएपी में भी देख रहे हैं सारे के सारे ऑब्लिगेशन, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर के होते हैं, और इस केस में क्या होता है ना, ये वो वाले केसेस हैं जिसमें ना आपके क्या कहते हैं सेलर के ऑलरेडी ही नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड आपके एजेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका चाइना, चाइना से आपने कुछ गुड्स परचेज किया तो उस सप्लायर का ऑलरेडी कोई ना कोई नॉमिनेटेड यहाँ पे एजेंट है, तो वो बोलता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डीडीयू टर्म्स पे दे दूंगा, आपको सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी जो भी होगा, करंट इंपोर्ट ड्यूटी एज पर करंट रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लायंस जो भी चल रहे हैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, और बाकी सारा का सारा ऑब्लिगेशन जो है, रिस्क जो है वो मैं लूंगा, सारी की सारी कॉस्टिंग मैं अपनी इनवॉइस में इंक्लूड कर दूंगा। सो ये हो गया आपका डीएपी, जिसमें कि फ्रॉम सप्लायर वेयर हाउस टू पोर्ट टू लोडिंग टू इंश्योरेंस टू ओशन फ्रेट टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन अनलोडिंग, टर्मिनल चार्जेस एट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड कस्टम क्लियरेंस एजेंसी चार्जेस, और फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन टू फाइनल डेस्टिनेशन विच इज वेयर हाउस और बायर्स फैक्ट्री, ये सारे के सारे जो कॉस्ट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके सप्लायर की होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डीडीपी जो है डिलीवरी ड्यूटी पेड। डिलीवरी ड्यूटी पेड में आपको पता लग ही गया होगा सारा का सारा जो है रिस्क और ऑब्लिगेशन और कॉस्टिंग जो होती है वो सारी की सारी आपकी सप्लायर की होती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, भाई मैंने ये गुड्स खरीदा है, ये सारा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जब तक वो मेरे दरवाजे पे ना पहुंचाए। इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब तक कि वो गुड्स को बायर के दरवाजे तक ना छुड़वा दे, वो सारा का सारा जो रिस्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है वो सारी की सारी सप्लायर की होती है, जिसमें कि आता है आपका ओरिजिन चार्जेस। ओरिजिन में क्या क्या आता है, आपका पैकिंग चार्जेस हो गया, फैक्ट्री से पोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, टर्मिनल चार्जेस हो गए, लोडिंग चार्जेस हो गए, आपके फ्रेट सी फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अनलोडिंग पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन अनलोडिंग चार्जेस, टर्मिनल चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, ड्यूटी भी सप्लायर ही पे करता है इस वाले केस में। उसका जो भी नॉमिनेटेड एजेंट है वो अपने बिहाफ पे कर देता है, बाकी उसका देख लेते हैं बाद में। और ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन टू फाइनल डेस्टिनेशन विच इज फैक्ट्री और वेयर हाउस, सारा का सारा जो होता है कॉस्ट वो सप्लायर बेयर करता है।
डीडीपी के केस में। सो सारे के सारे इन्फोटर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं ब्रॉडली। देखिए ये सारा का सारा होता है, इनमें से चार पांच सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि है आपका एक्सवर्क्स, FCA, FOB, जो इन सब में सबसे ज्यादा यूज होता है, CRP बहुत ज्यादा यूज होता है, और DDP। ये जो चार हैं ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, चार हुए ना, एक्सवर्क्स, FCA, FOB, CIF और DDP, सॉरी पांच हो गए हैं, ये पांच सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा भाई एक लाइक कर देना, मेरे को यार बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, छुट्टी वाले दिन आके मैं ये संडे वाले दिन आके वीडियो बनाता हूँ ऑफिस में, ऑफिस कॉल के अकेले। सो सारी इन्फॉर्मेशन यू नो आरएनडी करने में भी, सारी डीप तक जाने में भी चीज़ों पर मेरे को थोड़ा मेहनत लगता है। सो अगर आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और आगे भी मैं ऐसे ही अपडेट्स, जो भी हमारे ग्लोबल ट्रेड के अपडेट्स हैं इंडिया में वो लेके आता रहूँगा, ओवरसीज में जो अपडेट्स हैं वो भी लेके आता रहूँगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, लाइक कर दो। और जैसे कि मैं बताया था लास्ट तक, अगर आप अभी भी यहाँ पे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सी इन्फोटर्म्स लेनी चाहिए। अगर आप नए प्लेयर हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, तो भैया तो आप तो DDP पे चले जाओ, अगर आपकी शिपमेंट छोटी है और अगर आपका सप्लायर एग्री करता है तो DDP पे आपका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई आपका टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, वो सारा का सारा जब तक माल आपके घर तक ना पहुंचे, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके सप्लायर की थी। हाँ, अगर आपका सप्लायर भाई कहता है कि भाई DDP नहीं है क्योंकि मेरा कोई एजेंट नहीं हुआ पे, तो आप CIF ले लो, CIF में भी आपकी उसकी आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, CIF वो जब तक आपके वहां तक ना पहुंच जाए, कहते हैं पोर्ट तक ना पहुंच जाए, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सप्लायर की होगी। आप FOB भी ले सकते हैं, FOB में भी वो सारा का सारा ओवरसीज का कर देता है, अगर आपको ओवरसीज में कोई एजेंट जानने वाला नहीं है, आपने बस आपके लोकल में एजेंट कर लिया है, तो आप उसका करवा लो, FOB करवा लो। सो FOB, CIF और आपका DDP, ये तीन जो है अगर आप नए प्लेयर हैं इस केस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, तो ये आप कर सकते हैं। कॉस्टिंग आप ले लेना जनरली यार, CIF में अब ज्यादा ही कॉस्टिंग पड़ती है हमेशा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन और जो ओरिजिन चार्जेस हैं वो ज्यादा ही छोड़ते हैं, और अगर आपका कोई जानने वाला एजेंट है, कोई तगड़ा एजेंट है हमारी तरह, तो वो सस्ते रेट भी दे देता है आपको बहुत। ओवरसीज में जो कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जनरली महंगा पड़ता है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप FOB लो, क्योंकि जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है ना वो सप्लायर ही अच्छी तरह हैंडल करता है, जो कि रेदर देन जो भी आपका यहाँ का लोकल एजेंट है और उसका जो एजेंट है ओवरसीज में, वो सबसे बढ़िया तो भाई आपका सप्लायर ही जो लोकल ट्रांसपोर्टर है वो हैंडल करता है। आप FOB ले लो सबसे बढ़िया, FCA भी ले सकते हैं, FCA में भी कस्टम क्लियरेंस भी $10-$5 का ही फर्क पड़ता है उसके में और हमारे में। सो आप FCA भी ले सकते हैं, FOB भी ले सकते हैं। एक्सवर्क्स मत लेना, एक्सवर्क शुरू में लेना थोड़ा भोजपुरी का काम है, थोड़ा आपको टेंशन ज्यादा हो जाएगा कि भाई ये चार्जेस हैं, वो चार्जेस लोडिंग चार्जेस लग रहे हैं, वेयरहाउसिंग चार्जेस लग रहे हैं, टॉक्स फी लग रही है, लाइसेंस फी लग रही है ओवरसीज की, तो वो सारी टर्म्स आपको पता नहीं होंगी। तो आप सबसे बढ़िया है FOB ले लो, CIF ले लो, या DDP ले लो, सारा का सारा कदम। और अगर आपका आप पुराने हो तो आपको तो पता ही है भाई, FOB भी कर लेंगे हम, तो FCA भी कर लेंगे, एक्सवर्क्स भी कर लेंगे, हमारी सारी चीजें पता है भाई, टॉक्स की कितनी फीस लगती है, लाइसेंस की कितनी फीस, अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो कितनी फी लगेगी, एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो कितनी फी लगेगी। सो ये था सारा का सारा आपका इनकोटम्स 2010 लास्ट अपडेट, 2020 में नया अपडेट आने वाला, 2020 में मैं नया वीडियो बनाऊंगा, तो जब तक उम्मीद है आप लोग यहीं पर रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मेरा नाम है दीपांकर विश्वास और आपने अभी देखा है ग्लोबल व्यापार का वीडियो ऑन इनकोटम्स। थैंक यू सो मच।